त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। सुर साम्राज्ञी भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने आज दुनिया को अलविदा कह दिया। 92 साल की लता जी कुछ दिन पहले कोरोना संक्रमण के चलते मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती की गई थी, लेकिन लगातार उनकी सेहत में उतार चढ़ाव जारी रहा। तबीयत बिगड़ने की वजह से आज उनका निधन हो गया। 1942 में महज 13 साल की उम्र में संगीत में कदम रखने वाली लता दीदी ने करीब 6 दशक में 20 भाषा व 30,000 के करीब गाने गाकर सबके दिलों पर राज किया। उनके निधन की खबर देश भर के नागरिकों के लिए शोक की लहर लेकर आई। लता दीदी द्वारा गाए गए गाने ए मेरे वतन के लोगो, वंदे मातरम, तेरे बिना भी क्या जीना सहित सभी संगीतों से लता जी हमारे बीच हमेशा जिंदा रहेगी। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो सवाई माधोपुर की ओर से आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत नया भारत, संकल्पित भारत, सशक्त भारत पर 3 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी आज चूरू बालिका महाविद्यालय के सभागार में आयोजित की गई। प्रदर्शनी का उद्घाटन सांसद राहुल कस्वा एवं जिला प्रमुख वंदा आर्य ने फीता काट कर किया। क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी विकास नापा ने बताया कि 8 फरवरी 2022 तक आयोजित की जाने वाली इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी में आज़ादी का अमृत महोत्सव एवं सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पैनलों व डिजिटल माध्यमों के द्वारा दर्शाया गया है, जिसमें स्वच्छ भारत अभियान, फिट इंडिया, एकल उपयोग प्लास्टिक के खिलाफ जागरूकता एवं कृषि से संबंधित योजना, आत्मनिर्भर भारत, सबको मुफ्त वैक्सीन, एक भारत श्रेष्ठ भारत, गति शक्ति, फिट इंडिया मूवमेंट आदि को दर्शाया गया है। प्रदर्शनी में लीड बैंक, कृषि विभाग, चिकित्सा विभाग, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, महिला अधिकारिता विभाग, भारतीय डाक आदि द्वारा स्टॉल लगाकर विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। क्षेत्र में बीते एक सप्ताह में लगातार मौसम में परिवर्तन हो रहा है। शनिवार को दोपहर में गर्मी का एहसास हुआ तो वहीं आज सुबह खेतों में फसलों पर बर्फ की परत जम गई। 3 दिन पहले कोहरा व तेज सर्द हवाओं से लोगों की कपकपी छूट गई। बदलते मौसम के कारण सर्दी जुकाम से पीड़ित लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। डॉक्टर महेंद्र घोड़ेला ने बताया कि बदलते मौसम में खान पान एवं दैनिक दिनचर्या पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। रतनगढ़ नगरपालिका द्वारा आगामी 6 माह में 4 करोड़ रुपए की लागत से क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत ने बताया कि सरदार शहर टी पॉइंट से लिंक रोड होते हुए रतनगढ़ पुलिया तक, जय कृष्णा गैस एजेंसी से अंजनी माता मंदिर होते हुए NH 11 तक, रतनगढ़ मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल से हुडेरा स्टेशन तक, सरदार शहर रोड स्थित 220 kV GSS से नगरपालिका सामुदायिक भवन तक, CGP रोड से कब्रिस्तान तक वाया बाबा रामदेव मंदिर व जय अंबे आर्ट पैलेस से वार्ड संख्या 30 स्थित सोने मकान तक सड़क का निर्माण करवाया जाएगा। राजकीय अल्पसंख्यक छात्रावास जमीन आवंटन के मुद्दे को लेकर 3 फरवरी से चूरू नगर परिषद के सामने चल रहे धरना स्थल पर आज अल्पसंख्यक समाज की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे, जिसमें 7 फरवरी को जमीन आवंटन के मुद्दे को लेकर घेराव एवं प्रदर्शन के मुद्दे पर विचार किया गया। इस दौरान सांसद राहुल कस्वा ने धरने पर बैठकर धरने का समर्थन किया। इस मौके पर समाजसेवी अख्तर खान, रुकन खानी, जाकिर खान, इलियास खान झारिया सहित अनेक लोग मौजूद थे। जैसा कि आप सभी को विदित है कि चूरू के अंदर राजकीय अल्पसंख्यक बालक छात्रावास प्रस्तावित है और उसका बजट केंद्र सरकार से 2.50 करोड़ आ भी चुका है, लेकिन ज़मीन नगर परिषद को आवंटित करनी है और नगर परिषद है वो ज़मीन आवंटन में नित नए पेच ला करके इस मामले को उलझा रही है और आज बजट है वो लैप्स के कंगार पे है। तो मैं सभी ग्रामीण बुजुर्गों, नौजवान साथियों और छात्रों से गुजारिश करूँगा कि कल 7 फरवरी 2022 को नगर परिषद पर होने वाले विशाल प्रदर्शन में आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच कर इस प्रदर्शन को कामयाब बनाएँ और अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़े। तो मैं सभी से उम्मीद करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कल नगर परिषद चूरू आप तशरीफ लाएंगे। जय हिंद। रतनगढ़ पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आज पत्र लिखकर राजकीय अस्पताल को जिला अस्पताल बनाने की मांग की है। सारस्वत द्वारा लिखे गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि राजकीय अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में भूमि व भवन उपलब्ध है, जो कि सरकारी नियमों के अंतर्गत जिला अस्पताल के लिए आवश्यक है। चूरू में मेडिकल कॉलेज हो जाने से भारतीय अस्पताल कॉलेज के अधीन हो गया है। वहीं रतनगढ़ में महिला एवं पुरुषों के लिए 2 अलग-अलग भवनों में अस्पताल संचालित है तथा जिला स्तर का टीबी रोग निरोधक केंद्र का भवन पूर्ण रूप से अलग है। हमारा रतनगढ़ का जो चिकित्सालय है,
जिला अस्पताल हम इसको बनाना चाहते हैं। विगत काफ़ी लंबे समय से हमारे नेता मकबूल मंडेलिया जी इसके लिए प्रयासरत रहे और मंडेलिया जी ने दो बार पहले भी 6 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिले, उस समय चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी थे उनसे भी मिले, माननीय जिला कलेक्टर संदेश नायक साहब थे, उस समय से हम इसको प्रयासरत थे। तो मंडेलिया जी के देख रेख में हम काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि रतनगढ़ का जिला अस्पताल घोषित हो, तो इस बजट में हम लोग उसके लिए मांग कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे मंडेलिया जी ने एक और बड़ी राहत यहाँ पर देने की बात की है, वो ये चाहते हैं कि रतनगढ़ का नर्सिंग सेंटर नहीं था, पहले यहाँ पर था, वो नर्सिंग सेंटर वापस से रतनगढ़ गया, ANM सेंटर था यहाँ पर, उसको नर्सिंग सेंटर डेवलप करके जिला अस्पताल के साथ साथ रतनगढ़ में लाया जाए, इस पर हम काम कर रहे हैं। दूसरा जो बड़ा काम हम ले आए हाथ में वो है इसी बजट के अंदर हम स्टेडियम की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री मोदी से करवाने जा रहे हैं। जिला मुख्यालय पर संचालित कुछ कैफे में संदिग्ध गतिविधियों की जांच के लिए SP डी आनंद के निर्देशानुसार आज कोतवाली CI सतीश कुमार यादव की अगुवाई में विशेष अभियान चलाया गया। महिला पुलिस टीम के साथ चलाए गए इस अभियान में पुलिस ने शहर के राजकीय लोहिया कॉलेज के आसपास संचालित कैफे में पहुंचकर निरीक्षण किया और वहां मौजूद युवक युवतियों से पूछताछ की। कैफे में सर्च अभियान की सूचना के बाद कई कैफे बंद भी पाए गए। पुलिस ने इस दौरान कैफे में बने कैबिन में जाकर भी जांच की और कैफे संचालकों को चेतावनी दी कि यदि किसी तरह की अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए गए तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। श्रीमान टाइगर साहब के एडिशनल SP साहब के निर्देशानुसार कस्बे में कैफे हैं उनको आज चेक किया गया है। जुल्लू टीम को साथ लेकर के समस्त कैफे हैं उनको चेक किया गया, उनको हिदायत दी गई है किसी तरह की गलत गतिविधियां संचालित नहीं की जाए। रतनगढ़ में यातायात नियमों की अवहेलना करना वाहन चालकों को महंगा साबित हो रहा है। पुलिस द्वारा उच्चाधिकारियों के निर्देश पर अभियान चलाकर चालान काटे जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस द्वारा शहर में घंटाघर, अशोक स्तंभ, बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन सहित मेगा हाईवे व नेशनल हाईवे 11 पर हाईवे पुलिस द्वारा चालान काटे जा रहे हैं। बीते एक सप्ताह में पुलिस ने 35 वाहनों के चालान काटकर ₹10,000 का जुर्माना वसूला तथा 5 वाहनों को सीज किया है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चूरू के निर्देशानुसार रतनगढ़ तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वावधान में 12 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर आज न्यायालय परिसर में बैठक का आयोजन किया गया। लोक अदालत को सफल बनाने एवं अधिक से अधिक प्रकरणों के निस्तारण की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कन्हैयालाल पारिक ने बार संघ की बैठक ली। इस दौरान ACGM पारिक ने कहा कि लोक अदालत ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आयोजित की जाएगी तथा इस बार राजस्व मामलों को भी शामिल किया जाएगा। इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष रोहिता सिंह राठौर, सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार इंदौरिया, APP महावीर सिंह राठौर सहित कई अधिवक्ता उपस्थित थे। रतनगढ़ के नामदेव भवन में बसंत पंचमी पर्व के कार्यक्रम का शुभारंभ सावनवल डीडवानिया के दीप प्रज्वलन से शुरू हुआ। इस अवसर पर रमेश कुमार मोयल, भवनलाल तोलमिया सहित कई लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ की श्री दुर्गा प्रसाद धानुका बालिका प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित महर्षि वाल्मीकि संस्कार केंद्र पर आज आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत बसंत पंचमी उत्सव मनाया गया। समाज सेवी वेद प्रकाश पवार ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी। इस अवसर पर प्रधानाचार्य नरेंद्र चौमाल, शिवलाल, अनिता देवी आदि उपस्थित थे। रतनगढ़ देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में 20,000 से अधिक सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे। इस अवसर पर शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद चाकलान, पूर्व प्रधान गिधाईलाल बांगड़वा, पार्षद रामवीर सिंह रायका सहित कई लोग उपस्थित थे। देश भर में गर्वित इनोवेटिव बाइक बूट चिट फंड कंपनी के जरिए हजारों लोगों से करीब 3100 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के मुख्य अभियुक्त को कोतवाली थाना पुलिस ने जयपुर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। साल 2019 में कोतवाली थाने में गर्वित इनोवेटिव बाइक बोट कंपनी के नामजद आरोपियों के खिलाफ 2 मामले दर्ज हुए थे। शातिर दिमाग वाले इन आरोपियों ने चूरू जिले में 134 लोगों को ठगी का शिकार बनाया और उनकी मेहनत की कमाई हड़प ली। बाइक बोट घोटाले के 2 मुकदमे दर्ज है, 2019 के दर्ज है, ये काफ़ी पुराना प्रकरण है। इसमें आज मुख्य अभियुक्त संजय पुत्र रतन सिंह गुजर
उम्र 46 साल निवासी चीती पीएस दनकोर जिला गौतम बुद्ध नगर यूपी का रहने वाला है जिसे गिरफ्तार किया गया है। अभी न्यायालय में इसे पेश किया जा रहा है और इस चिट फंड कंपनी में 3,100 करोड़ रुपए का घोटाला का मामला है, कई स्टेटों का मामला है, कई स्टेटों में इन मुलजिमानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश तक इनके मुकदमे दर्ज है, अनुसंधान जारी है, इनकी संपत्तियां भी ईडी द्वारा जब्त की हुई है, विस्तृत अनुसंधान किया जाएगा। सर, आरोपी को जयपुर सेंट्रल जेल से लाए हैं। सर, पूर्व में एक आरोपी इसका भाई पवन भाटी गिरफ्तार हो चुका है, 3 इसके आरोपी और है, सचिन, विजयपाल, राजेश, जो कोटा जेल में कल ही जेसी करवाए गए, जिनको ही शीघ्र प्रोटेक्शन वारंट हासिल कर लाया जाएगा। रतनगढ़ मेगा हाईवे पर गोगासर के पास आज ओवरटेक करते समय बोलेरो गाड़ी पलटी खा गई। घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई लेकिन गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील के गांव बिना देसर निवासी मंगलाराम गांव के ही 2 अन्य लोगों के साथ सरदारशहर से रतनगढ़ की तरफ आ रहा था कि ओवरटेक करते समय गाड़ी पलटी खा गई। रतनगढ़ में रिको औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक फर्नीचर की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर की शराब के अत्यधिक सेवन से शनिवार की रात मौत हो गई। फैक्ट्री मालिक की सूचना पर रविवार को पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। हेड कांस्टेबल हेमराज मूंड ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र की रोड संख्या 2 पर फर्नीचर की फैक्ट्री में काम करने वाला 40 वर्षीय अजय कांत निवासी अलीगढ़ यूपी की मौत हो गई। यह मजदूर फैक्ट्री में ही रहता था तथा पिछले कई दिनों से अत्यधिक शराब का सेवन कर रहा था।